नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। लखनऊ में सपा के ट्विटर हैंडल संचालक मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तत्काल पुलिस मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने यूपी सरकार और पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए। इस मामले के तूल पकड़ते ही एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी विधिक और नियमानुसार हुई है, अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मनीष के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। नहीं, इसके बाद से जो सक्षम अधिकारी यहाँ सभी लोग मौजूद थे, सबके सामने उन्होंने चाय पिया। ऐसी जब कोई इतने बड़े मुख्यालय पे आता है तो इस तरह की एक बेसिक गरिमा होती है, और उनके साथ हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी प्रॉपरली पेश आए। सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ स्वयं मौजूद थे, उनकी बातें सुनी गई, उनको पूरी बातें बताई गई, उसके बाद से वो संतुष्ट होके गए। सर, क्या आपने ट्वीट देखे, क्या उन ट्वीट की जो भाषा है उसको अभद्र, अश्लील या शोभनीय कहा जा सकता है? ये चीज़ें समय समय पे आती रही हैं, विभिन्न तिथियों में नवंबर से ही ये प्रकरण चल रहे थे, और जैसा कि मैंने बताया कि पूरे गहन विवेचना के बाद ही लखनऊ पुलिस ने इसमें अग्रिम कार्रवाई की है। इस संबंध में सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं और स्थानीय अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे, उस पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है पुलिस पर दबाव बनाने की कि आप किसी को गिरफ्तार करिए, इस तरह से प्रोटेस्ट करें? फिर ये जो आगमन था, इस संबंध में कोई सूचना न तो पहले से दी गई थी, न तो कोई कार्यक्रम है। आप सबको विदित है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यहाँ धरना स्थल पहले से ही निर्धारित है, जहाँ पे कि धरना प्रदर्शन इत्यादि किया जाता है, और हमारे पुलिस के द्वारा वहाँ आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं। ये आकस्मिक स्थिति हुई थी जिसको बहुत ही शालीनता से और सभ्य तरीके से पुलिस ने इसको निपटाया है। और जहाँ तक बाहर के का प्रश्न है, मैंने बताया कि इस संबंध में वीडियो फुटेजेज हैं, उसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। किस लिए आए थे, किस अधिकारी से क्या बात हुई, उनकी शिकायत क्या थी? एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज डीजीपी मुख्यालय पे आए थे, क्योंकि वो खुद माननीय विधायक हैं और उनके साथ कुछ अन्य माननीय विधायकगण भी मौजूद थे। उनको प्रवेश दिया गया तथा अन्य लोगों की को प्रवेश नहीं दिया गया। चूंकि आज संडे का दिन था तो कोई भी यहाँ सभी लोग मौजूद नहीं रहते, आवश्यकता अनुसार अधिकारी ही यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पे जो लोग उपलब्ध थे उनसे उनकी वार्ता हुई तथा स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल मौके पर आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये जानने का, उनके द्वारा ये प्रश्न किया गया कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल से जुड़े एक व्यक्ति मनीष जगन अग्रवाल को क्यों पुलिस ने डिटेन किया है। इस संबंध में उन्हें सभी बातें बताई गई। देश होगा उस अनुसार अमल में लाई जाएगी। जो विभिन्न धाराएं जिनमें अभियोग पंजीकृत हैं, उनमें से कुछ 153A, 295A, 505, 2, 504, 66 IT Act, उसी तरीके से दूसरे अभियोगों में भी 153B, 295A, 298, 420 और IT सेक्शन के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। इसके अलावा एक अभियोग में 354A की भी धारा लगी हुई है। अब आगे की कार्रवाई माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाई होगी उसके बाद ही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरांत उनके द्वारा यहाँ उनको चाय पीने का भी ऑफर किया गया, उन्होंने चाय पिया और यहाँ से फिर प्रस्थान कर गया।
क्या क्या बताया जा रहा है कि क्या शांति भंग की आशंका जो 151 में गिरफ्तारी हुई है? मैंने बताया कि जो नियमानुसार और विधिक कार्रवाई लखनऊ पुलिस के द्वारा की गई है, इस संबंध में उनके द्वारा अलग से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। शांति व्यवस्था भंग होने के पूरे आसार थे, इसी आधार पे लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है। अखिलेश यादव ने चाय पी, उनको चाय पिलाई, लेकिन अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ दो अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। उनको ये भी जो विभिन्न धाराएं उन अभियोगों की हैं उसके बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो विधिक एवं नियमानुसार की गई है। उपरोक्त व्यक्ति के द्वारा समय समय पे मर्यादाओं की सीमा को लांघते हुए भी ट्वीट किए गए हैं, यहाँ तक कि पत्रकार बंधुओं के विरुद्ध भी उसके द्वारा अशोभनीय, अभद्र एवं जातिगत विद्वेष से भी ट्वीट किए गए हैं। लखनऊ पुलिस के द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, आगे की कार्रवाई। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।